नमस्कार। आरएसएस से संबद्ध भारतीय किसान संघ के बैनर तले रामलीला मैदान दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान जुटे। किसानों का जुटना उतनी बड़ी खबर नहीं है, जितनी बड़ी खबर यह है कि जिस संगठन ने सरकार के समक्ष मुद्दे उठाए वो आरएसएस का संगठन है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान बेहद परेशान है। बीज, खाद, दवाइयों, औजारों पर लगने वाला जीएसटी क्रेडिट भी नहीं मिला है। वाणिज्य विभाग किसानों को परेशान कर रहा है। भारतीय किसान संघ ने चेताया है कि अगर सरकार ने नहीं सुनी तो सरकार मुश्किल में पड़ेगी। भारतीय किसान संघ की हुंकार पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर किसान जुटे हैं, लेकिन अब की बार कौन से किसान जुटे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब की बार वो संस्था, वो संगठन सड़कों पर है जो हमेशा सरकार के पक्ष में रहता था, आरएसएस का किसान संघ। आज दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग फसल का वाजिब दाम और एमएसपी की गारंटी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा पहले से लड़ाई लड़ रहा है और अब की बार जो किसान संघ सरकार के सपोर्ट में रहता था वो भी जमीन पर आकर किसान के हक की लड़ाई की मांग कर रहा है। तो हम लोग उम्मीद और आशा करते हैं कि सरकार अब चेतेगी